बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी बहु प्रतीक्षित फिल्म मणिकर्णिका को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। लेकिन कंगना की ये फिल्म कंट्रोवर्सीज में फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लोगों का विरोध झेलना पड़ा था, ठीक उसी तरह इस फिल्म का भी कई जगह विरोध किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से करणी सेना ने फिल्म पद्मावत का विरोध किया था, ठीक उसी तरह से मणिकर्णिका का विरोध भी शुरू कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म की कहानी रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष पर आधारित बताई जा रही है। वहीं इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज और फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिश और कंगना ने। खैर, जिस तरह से इस फिल्म का विरोध शुरू हुआ है उस पर कंगना का बयान सामने आया है। खबरों की माने तो कंगना ने इसे लेकर एक बयान जारी करते हुए ये कहा है कि उन्होंने इस फिल्म को चार इतिहासकारों को भी दिखाया है और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफाई कराया गया है। कंगना इस बारे में आगे कहती है कि उन्होंने करणी सेना को ये बात साफ साफ बताई है और अगर इन सब के बावजूद वो उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इस पर यही कहना चाहेंगी कि वो शांत नहीं हुए तो उन्हें ये भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि वो भी एक राजपूत ही हैं और वो उन सबको बर्बाद कर देंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंगना ने साफ साफ कहा है कि अगर वो उन्हें या उनकी फिल्म के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे तो वो उन्हें बर्बाद कर देंगी। बताते चले कि ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देगी और इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ जानी मानी टेलीविजन अदाकारा अंकिता लोखंडे भी नजर आएंगी। वो इस फिल्म में झलकारी बाई का किरदार अदा करेंगी और वो इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। खैर, अब कंगना की ये फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है और कितना नहीं, इसका पता फिल्म की रिलीज के बाद ही चल पाएगा। बॉलीवुड जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।